पूर्व मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने कहा कि मार्च 2023 तक पंजाब सरकार की आबकारी माइनिंग नीति और फैसले अगर इसी तरह से चलते रहे तो खजाने का दिवाला निकल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तेल के दाम कम करने चाहिए, दूसरे राज्यों ने तेल के दाम कम किए हैं, यहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं और शराब के दाम कम किए गए हैं। पूर्व मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने चुटकी लेते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर टैक्स कम कर दिया है और दूसरी चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पंजाब सुरजीत सिंह ने कहा कि राज्य में अमन और कानून की हालत बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है, लोग राज्य को छोड़ने की सोचने लगे हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की नजरों से गिर चुकी है और कांग्रेस पार्टी विरोधी भी हो चुकी है। आधे कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो चुके हैं और आधे जल्द ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे। गलत यह है जी कि अज इतने लहरे मीटिंग रखी है, पिछले तीन दिन तो हरेक असैम्बली दे विच जिथे जिथे दो दो तीन तीन मीटिंगां आ देखो तुसी इन्ना वधिया हंगारा लोगों का हड़ आया। लोग ये बहुत दुखी आ, दो मेन मुद्दे आ, एक तो कानून की इस वेले धज्जियां डाइया पई, कोई भी आदमी अपने आप नूं सुरक्षित नहीं समझ रहा, लोग डरे हुए आ, लोग सहमे हुए आ। सो उस चीज़ नूं ये तीन महीनों के जिहड़ी लोगों ने बहुत वड्डा एक फतवा दिता सी बदलाव दे लई, लोग बेचारे बहुत ज़्यादा कह रहे भी साडे नाल धोखा होया। सो ये बहुत एक सुनहरी मौका जिहड़ा कानून व्यवस्था नूं देखते हुए कौन ठीक कर सकता, नरेंद्र मोदी जी जिन्हां ने तजर्बा हुण उत्तर प्रदेश देख लो जिहड़ी योगी जी दी सरकार आई आ उत्थे सब तो वधिया इस वेले कानून व्यवस्था गुंडागर्दी खत्म हो गई आ। सो यह दूजा जिहड़ा मेन मुद्दा हैगा वह आर्थिक हालत आ, इस वेले पंजाब की आर्थिक हालत बहुत माड़ी आ। मैं सोनू बेनती करांगा थोड़े मीडियम के राही पत्रकारां भरावां दे राही भी जिहड़े भी उम्मीदवार आ उन्हां पुछा करो मुद्दा की आ, कहणगे आर्थिक मुद्दा, भी आर्थिक मुद्दा तो है, तुसीं पहलां आम आदमी पार्टी ने भी कहा भी उहदे कीता की आ, वध गई, तू दस वध गई आ जां घट गई, जगह जगह तो धरने लगे आ, किसी नौकरी नहीं मिली, ना शराब की पॉलिसी, ना सैंड की पॉलिसी, कोई एक कम गिणा दे जिहड़ा कम गया हो, जिहड़ा सरदार भगवंत सिंह जी मान इलैक्शन तो पहला सी जो कहते होंगे सी, अज सरदार भगवंत सिंह जी मान रहे वो होर तरह की गल करते। बहुत मैं तुम दस रहा जी, मैं यही गल कह लगे थोनों कि पैम्फलेट की मैं ये श्री अपने प्रधानमंत्री जेड़े श्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख चुकिया, अमित शाह जी को चिट्ठी लिख चुकिया, सिविल एविएशन मिनिस्टर जेड़े सिंधिया जी को कि इस इलाके का विकास ये नैशनल इंटरनेशनल ते कारगो जेड़ा इंटरनेशनल अपने सब तो ज्यादा बच्चे इतने बाहर जाते हैं, उन्होंने परिवार उन्होंने छड्डन जाते हैं, जां दिल्ली जाना पैंदा, अमृतसर जाना पैंदा, चंडीगढ़ दे एयरपोर्ट आ उहदी की गल करदे, इहो जिहा होया जिहो जिहा ना होया, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट ही नहीं चलती उत्थों, ठीक है। मैं इत्थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट लै के भी आवांगा और दब के चलावांगे भी, सब तो वधिया एयरपोर्ट होएगा उहदे नाल, वड्डी गल जिहड़ी किसानां दे नाल अपना जिहड़ा आह अपना सारा इलाका संगरूर दा सब तो वध किसान इत्थे अगाह वधू किसान आ। मैनूं हैरान हुंदी आ जदों किसान भरावां दे बारे बोलदे आ, नौजवानों के बारे बोलते, आम आदमी पार्टी वाले कि नशेड़ी ने जी, इतने गैंगस्टर ने स्टेट, मैं कहना पंजाबी सब तो वध मेहनती ने और दुनिया च पंजाबियों ने नौ पैदा किया हुआ। सो मैं यही कहना चाहना कि ये जिहड़े मैं कहना कहा हैगा कि थोड़ा वीर गुरु पार्लियामेंट जाऊगा तो यह जिहड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गल करता लैके आऊगा ताकि किसानों के ना डोमैसटिक कारगो जिहड़ा आप सब्जियां भाजियां उगाने वह जड़िया ने जिड़े हम 20 रुपए मिलती हैं वो 100 रुपया मिला करो, 10 गुणे ज़्यादा कीमत मिली। देखो जी हरेक पार्टी का आपो अपना एजेंडा, जिहड़ी पार्टी अपना एजेंडा लेके जाती है, मैं तो यह कहना भी एजेंडा क्लीयर होना चाहिए, तुम ये दसो कि की करोगे, गल्लां करन नाल नहीं गल करके दिखाओ। मैं सी मैं जो बराले सियासत शुरू की थी, मैं कहा मैं जिला बनाऊ, मैं जिला बनाया, लोग मैं कहते होंगे सी जिला बन ही नहीं सकता, इतों तो मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बराला जी रह चुके आ, कैबिनेट के वजीर रह चुके आ, जिला मैं क्या जिला क्यों नहीं बन सकता,
ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣੇਗਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ।